दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों के साथ साथ उनको मिलने वाली सुविधाएं भी काफी बड़ी हैं। यहाँ राष्ट्रपति को सालाना $4,00,000 यानी करीब 2,72,44,000 रुपए वेतन मिलता है। इस वेतन के अलावा राष्ट्रपति को निजी यात्रा के लिए $1,00,000 यानी करीब $68,00,000 रुपए और मनोरंजन के लिए $19,000 यानी करीब $13,00,000 रुपए मिलते हैं। इस तरह से उन्हें 17 अलग अलग भत्ते भी दिए जाते हैं। हालांकि उन्हें सामान्य नागरिक की तरह अपने वेतन पर कर चुकाना होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को एक घर, व्यक्तिगत विमान और हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलती है। आइए उन सुविधाओं पर नजर डालें जो अमेरिकी राष्ट्रपति को मुहैया की जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पता मिला है जहां वह निवास करता है, मतलब व्हाइट हाउस। 55,000 वर्ग फुट में बनी इस 6 मंजिला इमारत में 132 कमरे, 35 बाथरूम, 28 फायरप्लेस, एक टेनिस कोर्ट, एक बॉलिंग एले, मूवी थिएटर, एक जॉगिंग ट्रैक, एक स्विमिंग पूल, गोल्फ मैदान और बास्केटबॉल कोर्ट है। इसके अलावा व्हाइट हाउस में 5 सेफ हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। यही नहीं, एक सोशल सेक्रेटरी, एक कैलीग्राफर, माली, नौकर, कुल मिलाकर 96 कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। यही वजह है कि व्हाइट हाउस को 8-स्टार होटल भी कहा जाता है। व्हाइट हाउस में हर वह सुविधा मौजूद है जो एक सुपर पावर देश को चलाने और दुनिया में उसका असर बनाए रखने के लिए जरूरी है। यहाँ एक बंकर भी है जो किसी मुसीबत के वक्त राष्ट्रपति, उनके परिवार और स्टाफ को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाइट हाउस के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्लेयर हाउस इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है। यह राष्ट्रपति का आधिकारिक अतिथि गृह है। अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर आने वाला हर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष यहीं ठहराया जाता है। यह व्हाइट हाउस से भी बड़ा है। इसमें 119 कमरे हैं जिनमें मेहमानों और कर्मचारियों के लिए 20 से ज्यादा बेडरूम शामिल हैं। यहाँ 35 बाथरूम, 4 डाइनिंग रूम, एक जिम, एक फूल की दुकान और एक हेयर सैलून भी है। ब्लेयर हाउस व्हाइट हाउस के अलावा कैंप डेविड की सुविधा भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलती है। यह राष्ट्रपति को जल्द राजधानी से निकालने का गेटवे जैसा है। कैंप डेविड एक रिजॉर्ट होटल जैसा है जो राजधानी वाशिंगटन DC से 113 किलोमीटर दूर है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बाद हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया है। जॉर्ज बुश तो करीब करीब हर हफ्ते ही इसका आनंद उठाने आया करते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवहन के लिए एयरफोर्स वन जैसा अत्याधुनिक विमान होता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के खिलाफ सुरक्षा के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। यह उन्नत सुरक्षित संचार उपकरणों से लैस है जो इसे हमले के स्थिति में मोबाइल कमांड सेंटर के रूप में काम करने की इजाजत देता है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर इसमें उड़ान के दौरान भी ईंधन भरा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक हेलीकॉप्टर भी होता है जिसे मरीन वन कहते हैं। एयरफोर्स वन की तरह यह वहां जाता है जहां राष्ट्रपति जाते हैं। यह सबसे सुरक्षित और ताकतवर हेलीकॉप्टर है जिसे इसके रंग की वजह से व्हाइट टॉप्स भी कहा जाता है। यह विशेष किस्म से तैयार सकुरस्की VS-3 कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है। इसमें 14 लोग बैठ सकते हैं। इसमें 3 इंजन होता है। एक इंजन फेल होने के बाद भी उड़ान जारी रखा जा सकता है। यह सीधे व्हाइट हाउस और पेंटागन से जुड़ा होता है। इसमें उड़ान के दौरान शोर कम होता है जिससे राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर में बैठकर बातचीत कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले की शान होती है द बीस्ट कार। यह किसी करिश्माई कार से कम नहीं है। इस पर बम और रासायनिक हथियारों का भी असर नहीं होता। इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कार माना जाता है। कार की खिड़कियों में 5 स्तर वाले शीशे और पॉलीकार्बोनेट हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति, अग्नि सुरक्षा तंत्र और ब्लड बैंक भी इसमें हैं। द बीस्ट की कीमत 10 करोड़ रुपए आंकी जाती है। कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में दुनिया का सबसे महंगा दस्ता लगा हुआ है। प्रेसिडेंशियल एडवांस टीम सुरक्षा के लिहाज से दुनिया का सबसे उन्नत सुरक्षा दस्ता है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति को हर महीने करीब 500 धमकियां मिलती हैं। यही वजह है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ताउम्र सुरक्षा मिलती है। राष्ट्रपति और उनका परिवार 24 घंटे की कड़ी सुरक्षा में रहता है। अमेरिका की सबसे पुरानी संघीय जांच एजेंसी सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति के परिवार की सुरक्षा में लगी हुई है। दरअसल 22 नवंबर 1963 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। तब से अमेरिका अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतता। सेवानिवृत्ति के बाद भी अमेरिका का राष्ट्रपति एक शानदार जिंदगी जीता है। कार्यकाल पूरा करने के बाद उसे पेंशन के रूप में हमेशा एग्जीक्यूटिव स्तर का पे मिलता है। उनकी पेंशन मौजूदा वक्त में $1,99,000 यानी करीब 1.35 करोड़ रुपए होती है। साथ ही साथ उन्हें सेना के अस्पताल में इलाज की सुविधा, ऑफिस और स्टाफ का खर्च भी मिलता है। पेंशन और अन्य सुविधा के अलावा पूर्व राष्ट्रपति लिमोजिन, मरीन वन, एयरफोर्स वन में सवारी कर सकते हैं।
उन्हें वाशिंगटन में महंगा किले नुमा सुरक्षा युक्त मकान भी उपलब्ध कराया जाता है।